डाइट से होंगे। आज की हमारी वीडियो भी फिटनेस वीडियो है जो हमें बताएगी कि वर्क फ्रॉम होम ने किस तरह से हमारे लाइफ पे इम्पैक्ट किया है और कुछ ट्रिक्स जिससे हम उन सबको ओवरकम कर सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी को नवरात्रि उत्सव की ढेर सारी बधाई देना चाहती हूँ। ये उत्सव न ही सिर्फ हमारे इनर हीलिंग के लिए अच्छा होता है, स्पिरिचुअल हीलिंग के लिए अच्छा होता है, पर इस दौरान हमारी बॉडी क्लेंजिंग भी अच्छा कर लेती है और नए मौसम की आने वाली परेशानियों से अपना रेजिस्टेंस प्रिपेयर करती है। मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, क्लेंजिंग अच्छी हो जाती है, क्योंकि हम में से कई सारे लोग इस उत्सव में फास्टिंग करते हैं और सिर्फ एक टाइम मील लेते हैं, तो हमारी बॉडी जितना अंदर कार्ब्स है, एनर्जी है, उसको रिलीज करती है और जो एक्युमुलेटेड फैट्स है उसको रिलीज करती है और क्लेंजिंग करती है। तो फ्रेंड्स, इन दिनों की फास्टिंग के दौरान आप डिटॉक्स ड्रिंक पीना ना भूलें ताकि आपकी हेल्थ और मेटाबॉलिज्म थोड़ा और अच्छे से काम करें। तो चलिए बढ़ते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ, वो है वर्क फ्रॉम होम। वर्क फ्रॉम होम को अडैप्ट करना हमारी एक लाचारी थी, पर उसके साथ जो हमने और चीजों को अडैप्ट कर लिया है हमारी लाइफस्टाइल में, वो हमारी गलती है। जरा गौर फरमाइएगा। सबसे पहली हैबिट है वो है लेजीनेस। लेजीनेस कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा, पर एक्चुअली फैक्ट है, वर्क फ्रॉम होम में हमें ट्रैवलिंग नहीं करना है, बस घर पे ही बैठे हैं और लॉग इन करना है। तो उस वजह से क्या होता है, हम अपने मॉर्निंग का जो डेली रूटीन है उसको डिस्टर्ब कर दिए हैं। हाँ, ये बात सही है कि वर्क फ्रॉम होम में आवर्स एक्सटेंड हो जाते हैं, पर उसका सीधा असर हमारे मॉर्निंग रूटीन पर पड़ रहा है। मॉर्निंग के जो क्लेंजिंग के काम हैं, जैसे गर्म पानी पीना या बॉडी क्लेंजिंग करना, वो हम स्किप कर देते हैं और डायरेक्टली लैपटॉप खोल के चालू हो जाते हैं। तो ये हमारी सबसे बड़ी मिस्टेक है, हमें अपने मॉर्निंग रूटीन को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। सवेरे उठकर हर रोज़ आपको एटलीस्ट आधा लीटर गर्म पानी पीना चाहिए। अगर आपको वेट कम करना है तो हनी और लेमन जूस डाल के पीजिए, बहुत रिफ्रेशिंग भी होता है, आपका विटामिन सी भी फुलफिल होता है और आपकी भूख भी थोड़ी कम हो जाती है। को और रेमेडी है वो है येलो टी या टर्मरिक टी। बस आपको हल्दी को पानी में उबालना है और थोड़े थोड़े स्मॉल पोर्शंस में पूरे दिन आपको लेना है। ये एक एंटी एजिंग ड्रिंक भी है। और दूसरी जो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आ गई है वो है जंक फूड। आप मानो या ना मानो, इस वर्क फ्रॉम होम के चलते हमने बहुत सारी प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड खाना शुरू कर दिए हैं। क्योंकि जब आप बहुत समय तक एक ही जगह पे बैठे काम करते हैं ना, तो आपको स्ट्रेस भी होता है और कहीं ना कहीं हमारी टंग स्ट्रेस रिलीवर होती है। हमने कुछ टेस्टी खा लिया तो हमें लगता है हाँ थोड़ा अच्छा लग रहा है, हमारा स्ट्रेस बर्स्ट हो रहा है। पर ये हैबिट आपको हेल्थ वाइज बहुत ज्यादा नुकसान करती है। उस वक्त कुछ देर के लिए आपको शायद सेटिस्फेक्शन मिलता हो, पर अल्टीमेटली वो आपकी हैबिट आपको अंदर से नुकसान करते ही जा रही है। इसके सिर्फ एक ही सॉल्यूशन है, आपको जंक फूड कहीं ऐसी जगह रखना है जहां एक्सेसिबल ना हो, जैसे ऊपर वाली दराज में रख दीजिए या कोने के डब्बे में रख दीजिए कि आप निकाल ना पाए, उसको एक्सेसिबल ना रखें, वहां ना रखें जहां आपकी डेस्क है। और आपके डेस्क पर इंस्टेंट आप रखें ड्राई फ्रूट्स या फ्रेश फ्रूट्स या कुछ ऐसी चीजें जो आपको चलते फिरते खाना, नट्स हैं वो आपको पसंद हो, ऐसी चीजों पे आप जंक या बिहेव कर सकते हैं। ऑयली फ्राइड प्रोसेस्ड फूड पे ना करें, क्योंकि एक तो फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही कम है, ऊपर से जब आप प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो आपको हमेशा बहुत स्लीपी होगा, आप लेजी फील करेंगे। और अगली चीज की तरफ बढ़ते हुए, ये आजकल बहुत ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई है, स्विच योर वेज टू रिलैक्स। जब भी आपका मन है कि आपको रिलैक्स होना है तो अपने तरीके बदलिए। आजकल के तरीके हैं नेटफ्लिक्स, मूवीज, इंस्टा, फोन, तो ये जो मेथड्स हैं आपको बैठने पर मजबूर कर देते हैं। आप इतनी देर बैठे हुए हैं, काम कर रहे हुए हैं और फिर से जब आप रिलैक्स हो रहे हैं तभी भी आप अपने फोन के साथ हैं या टीवी के सामने हैं। तो एक ये माइंडसेट चेंज करिए कि वी नीड टू स्विच आवर वेज टू रिलैक्स। जब भी हमको रिलैक्स फील करना है हम कुछ और करें। आप ऐसी छोटी छोटी फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज करिए, स्ट्रेचिंग करिए, ताकि आप सच में रिलैक्स हो। इस तरह से जब आप मूवीज देखते रहते हैं तो वो आपको रिलैक्स नहीं कर रहे होते हैं, आपके ब्रेन और आपको तो और ही ज्यादा स्ट्रेस में आ रहे होते हैं, पर आपको मन की
देखा और मुझे मजा आया। तो we need to switch our ways, अपने methods को change करिए। तो चलिए बढ़ते हैं ऐसी tips, tricks और suggestions की तरफ जो हमें इन सभी problems से ऊपर लाए और weight management हो जाए इस दौरान। तो उन tips की तरफ बढ़ते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि ये work from home हमारे health पे हावी ना हो। अच्छा, मैं सब आपको कैसे बता सकती हूँ, क्योंकि मैं रिलेट कर सकती हूँ। मैंने भी ऐसा पीरियड निकाला है जहाँ मुझे बेड रिडन होना पड़ा था, क्योंकि मेरा लिगामेंट टियर हो गया था जो फ्रैक्चर से भी ज़्यादा समय लगाता है ठीक होने में। 3-4 महीने, यानी कि आप 1/4 ऑफ द ईयर आप बेड पे हो और आपकी और आपकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो एकदम नेग्लिजिबल है। उस समय आप अपने वेट को कैसे मैनेज करें, कैसे वेट को ना बढ़ने दें और एक्टिव रखें, अपना मूड ठीक रखें, तो इसलिए मैं अपने आप को थोड़ा बहुत रिलेट कर सकती हूँ। और कुछ ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उस वक्त बहुत हेल्पफुल लगी, वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। क्या सबसे पहली जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी और आज भी है, हर हर किसी के लिए है, वो है ईटिंग हैबिट्स। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो चली है, या आप ज़्यादा देर तक अपना वर्कआउट सेशन नहीं ले पाते हैं, या आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो सबसे पहले ध्यान रखिए अपनी ईटिंग हैबिट्स को ध्यान दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, जिस समय आपकी फिजिकल एक्टिविटीज कम है तो हाई कार्ब डाइट ना लें। ऐसी डाइट जिसमें कार्ब्स ज़्यादा हैं, जैसे चावल है, रोटी है या मैदा है, इन सब चीज़ों को ना लें। कम से कम दिन भर का एक मील ऐसा होना चाहिए, स्पेशली डिनर, जहाँ आप कार्बोहाइड्रेट्स ले ही नहीं रहे हों, और आपकी डाइट लिक्विड डाइट होनी चाहिए। देखिए, खाना कम करना है, न्यूट्रिशन कम नहीं करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, खाना खाना ही बंद कर देते हैं, तो उससे क्या होता है, भूख और ज़्यादा लगती है और हम लोग देर रात को खाने लगते हैं। खाना नहीं रिड्यूस करना है आपको, न्यूट्रिशन बनाए रखने के लिए आप दलिया खा सकते हैं और लिक्विड खिचड़ी खा सकते हैं, वेजिटेबल सूप ले सकते हैं या मिक्स वेज खिचड़ी खा सकते हैं। ऐसी कोई चीज़ें जो लो कार्ब्स हैं वो आप अपनी रात को डाइट में ऐड करिए। जब मेरा लिगामेंट टियर हुआ था उसको ट्रीट करने के लिए मुझे कंप्लीट बेड रेस्ट चाहिए था, और उस समय मेरा वेट बिल्कुल भी हिला नहीं। वो उसका मेन रीज़न यही था कि मैंने अपने कम से कम 2 मील्स लिक्विड डाइट पे कर लिए थे, एक मॉर्निंग में और एक नाइट में। जब आप इतना खा रहे हैं और वो एनर्जी रिलीज ही नहीं होगा, तो फिर आपको बर्ब्स आएंगी, एसिडिटी होगी, या पेट टाइट लगने लगेगा, या आपकी बॉडी में स्वेलिंग फील होगी। इन सब चीज़ों से बचने के लिए आप अगर थोड़ी बहुत चेंजेस करते हैं तो आपकी बॉडी एकदम कंफर्टेबल फील करती है, और धीरे धीरे वो खान पान आपकी आदत बन जाती है, क्योंकि आप उसे हेल्दी फील कर रहे हैं, आप उसे अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे ही दिन ढलता जाता है आप लिक्विड डाइट पे स्विच करिए। दूसरी चीज, अपने वर्कआउट के लिए टाइम निकालें। एक बार इनकेस आप नहीं कर पाते हैं तो उसका ऑल्टरनेट क्या है, जब भी आपकी मीटिंग्स हों, जब भी आप कॉल पे हों, जब आपको पता है कि लैपटॉप से सिंक नहीं हो रहा है काम और आपको कॉल पे बैठना है, अटेंड करना है, तो जस्ट गेट अप एंड वॉक एंड टॉक बहुत बहुत इफेक्टिव है। जब भी आपको लगे कि ये बात लंबी चलने वाली है, बातचीत और बढ़ेगी, तो आप वॉक करना चालू कर दीजिए, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। तीसरी चेंज जो आपको ज़रूर करनी चाहिए वो है स्ट्रेचिंग और फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस। फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइजेस आपका वेट लूज तो नहीं करेंगी, लेकिन आपकी मसल्स को इनफ्लेक्सिबल बनाने से रोकेंगी। आप एक ही पोस्चर में कंटिन्यू ना बैठें, आप थोड़ी थोड़ी देर में अपनी एक्सरसाइजेस करते रहिए, चाहे वो आर्म्स रोटेशन हो या टोज रोटेशन हो, स्ट्रेचिंग हो। अगर आप एक ही जगह बहुत देर तक कॉन्स्टेंटली बैठे हैं तो एट द एंड जब दिन खत्म होता है आपकी बॉडी बहुत थक जाती है और वो किसी भी चीज़ से डिनाई करने लगती है। आपको लगता है मैं आज बहुत थक गया हूँ, आज बहुत काम का प्रेशर हो गया है, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। पर अगर बीच बीच में आप थोड़ा बड़ा स्ट्रेचिंग कर रहे हैं और मसल्स रिलैक्स कर रहे हैं, तो दिन खत्म होते होते भी आपके पास इतनी एनर्जी होती है कि आप थोड़ा वॉक कर लें या आप थोड़ा डांस कर लें। ये भी एक बहुत अच्छी ट्रिक है अपने आप को फुर्तीला रखने की। तो दोस्तों, आई होप ये छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक्स आपके जरूर काम आई होंगी। आपको थोड़ी सी भी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस था है कि हम अपने वेट को मैनेज करने के लिए कौन सी सिंपल चीजों पे कंट्रोल करने से ही वेट अचीव कर सकते हैं।
आप भी ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इसमें से सबसे अच्छी ट्रिक आपको कौन सी लगी। इसी के साथ वीडियो कंक्लूड करते हुए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या क्या नहीं करना है। आपको हाई कार्ब्स वाली डाइट नहीं लेनी है। दूसरा, आपको एक ही जगह एक ही पोर्शन में कंटिन्यू नहीं करना है। लिक्विड डाइट पे आपके डिनर को आप लिक्विड डाइट बनाइए अपना। है कि आपको जब भी कॉल आए तब आपको वॉक करते हुए बात करनी है, फ्लेक्सिबिलिटी एक्सरसाइज पे ध्यान देना है, अपने रिलैक्स करने के तरीकों पे स्विच करना है, जंक फूड को दूर रखना है और हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को अडॉप्ट करना है। तो फ्रेंड्स, जाते जाते आपको एक बार फिर से नवरात्रि की ढेर सारी बधाइयां और डिटॉक्स ड्रिंक वाला वीडियो देखना ना भूलिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दोस्तों, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करते हुए जाइए। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय राम जी की।